हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष। तो आज की वीडियो में मेरा बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैं सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत नियर हूँ। तो ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियो शेयर करता रहूँगा। चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। आज हम बनाएंगे कढ़ी। तो अब चलते हैं मेरी किचन की ओर, बनाने की तैयारी करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैंने लिए 1 लीटर लस्सी, और जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे लिखे हुए दिख जाएंगे। तो यह है लस्सी, मैं इसमें डालूंगा बेसन, तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 TSP अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और मिर्च। मिर्च और साथ में हल्दी। मिर्च मैंने 2 TSP डाली और हल्दी आधा TSP। डालेंगे आधा चम्मच हींग। हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे हींग से डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाती है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो अब मैं इसमें डालूँगा प्याज, एक बारीक कटा हुआ प्याज है डाइस वाला। अब मैंने यहाँ लिए है थोड़े कड़े मसाले, ये है मेरे पास 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, कुछ लौंग और 1 बड़ी इलायची और जीरा और कोरिएंडर सीड्स। तो ये अब हम डालेंगे इसके अंदर ऐसे, और ये मिक्स है सारे, और 1 बड़े चम्मच मसाले हैं ये सारे मिलाकर। तो अब जो मेरा बैटर है वो हो गया तैयार। अब मैं इसे करूँगा बॉयल। चलते अपनी गैस की तरफ। बैटर को करूँगा इसके अंदर ट्रांसफ़र। हाँ, ये हो गया। तो अब मैंने इसे रख दिया है गैस के ऊपर। अब इसे हम करेंगे बॉयल। तो अब इसमें बॉयल जो है वो आना हो गया शुरू। तो अब मैं करूँगा गैस को हल्की। कढ़ी जितनी भी हल्की हल्की गैस पे रहे तो आराम से बहुत अच्छे से बनेगी। इसको तो हम साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना, क्योंकि तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है साथ में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पकौड़ों की तैयारी, क्योंकि बिना पकौड़ों के तो कढ़ी का कोई मज़ा ही नहीं है। तो यहाँ मैंने जो है वो बेसन लिया है 2 बड़े चम्मच, और उसमें मैं डालूँगा 1 छोटा डाइस वाला प्याज। इसे हम करेंगे मिक्स। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बचा लिया था अपने पास, तो मैं ये भी इसमें डालूँगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। ये मैंने डाला नमक, मिर्च, और साथ में हल्दी। ये मैंने कर दिया है अच्छे से मिक्स। अब हम डालेंगे इसमें पानी इसका बैटर बनाने के लिए। धीरे धीरे करके हम इसको चलाते रहेंगे, वहीं डालेंगे। तो ये जो है बैटर हो गया अच्छे से रेडी। तो अब हम इसके साथ साथ हमें अपनी कढ़ी का भी ध्यान देंगे कि हमारी कढ़ी किस स्टेज पे पहुंची है। चलिए अब देखते हैं कढ़ी की पोजीशन क्या है। कढ़ी की पोजीशन बहुत अच्छी है, पर अभी से थोड़ा टाइम हमें और पकाना है अच्छे से। तो ये हमने रखा है तेल गर्म करने के लिए पकौड़ों के लिए। तो इसे अच्छे से गर्म कर हम इसमें बनाएंगे पकौड़े अपने। तो ये हमारा घी जो गर्म हो गया, पर फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। एक बार हम इस बैटर में डाल के देखेंगे इसमें तड़तड़ की आवाज़ आ रही है या नहीं। इसमें तड़तड़ की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कि ये घी गर्म हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं पकौड़े बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम ये बेसन लेंगे, बैटर हमारा, तो इसके अंदर हम डालेंगे ऐसे ऐसे हम डालते रहेंगे, और गैस को हम रखेंगे हल्की ताकि पकौड़े अंदर से पक जाए अच्छे से। ये हम ऐसे डालते रहेंगे। तो ये जो है हमारे पकौड़े अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डालेंगे कढ़ी के अंदर, जिससे हमारे कढ़ी का स्वाद जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो अब मैं ये एक पकौड़े डालूंगा इसके अंदर। ये मैं पहले क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है हमारे
कढ़ी जो है वो पकौड़ों के अंदर वो अच्छे से चले जाए। तो अब मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं, तो अब हम इसकी तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। ऐसे में तड़का तो मुझे दो चीज़ का ही अच्छा लगता है मुझे, या तो देसी घी का या सरसों के तेल का। तो यह मैंने लिया है देसी घी, तो मैंने इसको गर्म करने के लिए भी रख दिया है। तो जब ये देसी घी जो है वो गर्म हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे, फिर उसमें हम अपनी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे कुछ। तो ये जो मेरा घी है वो ठंडा हो चुका था, और इसमें मैं डालूंगा 2 लाल मिर्च, साथ में थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, ये डाल दिया मैंने मस्टर्ड। और अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, कसूरी मेथी। और अब हम इसमें डालेंगे कलर देने के लिए इसको देगी मिर्च, ये मैंने डाल दी देगी मिर्च, वो भी अच्छे से रेडी, और हमारी कढ़ी भी। तो हम इस तड़के को ऐसे डालेंगे फैला कर, एकदम गर्मा गर्म तड़का हम इस पर डालेंगे ऐसे। तो ये जो हमारी कढ़ी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और ढेर सारे कमेंट्स भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।